की शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। अमृत पाने के लिए देव दैत्यों में संघर्ष चल पड़ा। दैत्य सेनापति राहु तथा देवराज इंद्र अमृत कलश पाने के लिए बल प्रयोग करने लगे। इस बल प्रयोग के कारण अमृत कलश छलका और हरिद्वार की पावन भूमि के जल में गिरा। कुंभ से अमृत गिरते ही हरिद्वार कुंभ मेले का पावन स्थान बन गया। तत्पश्चात कई वर्षों तक पुनः देवगण अमृत कुंभ पाने के लिए राहु का पीछा करते रहे। फिर राहु तथा इंद्र में अमृत कुंभ पाने के लिए संघर्ष हुआ तथा एक बार फिर अमृत कुंभ से अमृत छलका और प्रयाग में गिरा। उसी समय से प्रयाग के पवित्र संगम पर एक मास तक कुंभ मेला लगने की प्रथा प्रारंभ हुई। देव दैत्यों का अमृत कुंभ पाने का संघर्ष फिर भी समाप्त नहीं हुआ। वर्षों तक देवता फिर राहु का पीछा करते रहे। एक बार पुनः अमृत कुंभ से अमृत छलका और इस बार उज्जैनी की पवित्र शिप्रा नदी के जल में गिरा। उसी समय से उज्जैन में कुंभ मेला लगना प्रारंभ हुआ। अमृत कुंभ प्राप्ति के लिए देव दैत्य संघर्ष का फिर भी अंत नहीं हुआ। पुनः राहु और इंद्र के मध्य अमृत पाने के लिए बल प्रयोग हुआ। अमृत कुंभ से अमृत फिर छलका और इस बार नाशिक की पावन गोदावरी के जल में गिरा। उसी समय से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात गोदावरी के तट पर कुंभ मेला लगता है। देव दैत्यों में होते इस संघर्ष को देखकर देवर्षि नारद दुखी होते हैं, क्योंकि ये संघर्ष भाई भाई के बीच था। देव तथा दैत्य दोनों ही कश्यप ऋषि की संतान थे तथा दोनों की माताएं दिति तथा अदिति दक्ष प्रजापति की कन्याएं तथा सगी बहनें थीं। दिति धृष्ट एवं हठी थी, परंतु अदिति पति सेवा में रहने वाली सौम्य तथा शांत महिला थी। इस घटना का स्मरण करके नारद क्षुब्ध होते हैं। इसी बीच इस संघर्ष का अंत करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके अमृत कुंभ को देवता तथा दैत्यों में बांटने की सलाह देते हैं। देवता तथा दैत्य उनके सुझाव को मान लेते हैं। सुंदरी मोहिनी देवताओं तथा दैत्यों को अपने मनभावन नृत्य संगीत से मुग्ध करके देवताओं को अमृत पिलाने लगती है। दैत्य सेनापति राहु एक देवता का रूप धारण करके मोहिनी से अमृत पा लेता है। जब सूर्य चंद्र को राहु की धूर्तता का पता चलता है तो वे विष्णु के प्रति गुहार लगाते हैं। भगवान विष्णु
तत्काल मोहिनी के रूप से परिवर्तित होकर अपना स्वाभाविक चतुर्भुज विराट रूप धारण करते हैं। ये तो कोई दैत्य है, वो देखो दैत्य जा रहा है। देवताओं को अमृत और दैत्यों को अरुणी पिलाकर छल किया है। दैत्यों सावधान हो जाओ, एक कपटी विष्णु देवताओं के हित के लिए तुम्हारे साथ सदैव छल करता रहेगा। राहुल, मैं जानता था यदि दैत्यों ने अमृत पी लिया तो आसुरी शक्तियां अमर होकर इस सृष्टि में भयंकर अनर्थ कर सकती हैं, इसलिए मुझे मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। मैं सृष्टि का पालक हूं, इसका विध्वंस कभी नहीं देख सकता। तुमने देवताओं का वेश धारण करके छल करना चाहा, इसी अपराध के लिए मैंने तुम्हारा मस्तक काटा है। तुम धूर्त हो, कपटी हो, तुमने अपने स्वार्थ और देवताओं के हित के लिए दैत्यों के साथ छल किया। क्या तुम अपराधी नहीं हो? तुमने मेरा मस्तक काटा, किंतु अमृत पीकर मैं भी देवताओं की भांति अमर हो गया हूं। आज से मेरा सर राहु और धड़ केतु कहलाएगा। और ये दोनों अमर है। मैंने अपने कर्तव्य पालन हेतु तुम्हारा मस्तक काटा है। अमृत पीकर तुम्हारा सिर और धड़ दोनों अमर हो गए हैं। मैं तुम दोनों अर्थात राहु और केतु को नक्षत्र मंडल में स्थान दे रहा हूं। सूर्य, चंद्र, अब तुम दोनों सावधान हो जाओ, तुम दोनों के कारण मेरा मस्तक कटा है। तुम्हें इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। सूर्य, अवसर पाते ही मैं तुम्हें ग्रस लूंगा। अमावस्या की भांति संसार अंधकार में डूब जाएगा। चंद्र, पूर्णिमा को जब तुम संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकाशित होगे, मैं तुम्हें भी निकल लूंगा। सृष्टि में ग्रहण छा जाएगा। सृष्टि में ग्रहण छा जाएगा, अंधकार हो जाएगा। प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु ये राहु क्या कह रहा है? प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। सूर्य और चंद्र, तुम चिंता ना करो,
राहु तुम्हें समय समय पर अवश्य ग्रसेगा, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होगा। संसार तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा और तुम मुक्त हो जाओगे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय शिव शंकर। चंद्रमौली भगवान नीलकंठ की जय। कैलाश पर आप सबका स्वागत है ब्रह्मदेव। भगवान भोलेनाथ की जय। आपकी आज्ञा अनुसार प्रारंभ किया गया समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण हुआ भगवान, किंतु उद्देश्य अधूरा है। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ, समुद्र मंथन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। पधारी देवी महालक्ष्मी। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम माता सती। देवी महालक्ष्मी, आप जगत पालन की पूर्ति हेतु अवतरित हुई हैं। स्वामी, जगत कल्याणी देवी महालक्ष्मी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। हाँ देवी, जगत पालक भगवान विष्णु हेतु समुद्र मंथन द्वारा देवी महालक्ष्मी अवतरित हुई है। मैं देवी महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि जगत पालक भगवान विष्णु की सहचरी बनकर जगत की सुख समृद्धि में वृद्धि करें। हम भी देवी महालक्ष्मी से यही निवेदन करते हैं। महादेव की आज्ञा शिरोधार्य है। हर हर महादेव। माता महालक्ष्मी की जय हो। भगवान विष्णु से निवेदन है, वरमाला पहनाकर देवी महालक्ष्मी का वरण करें। भगवान भोलेनाथ, धन्य है माता सती, जिन्होंने जगत के पालनहार भगवान विष्णु को भी लग्न के बंधन में बांध दिया। संपूर्ण सृष्टि को भगवान विष्णु का स्नेह प्राप्त होगा। नहीं इंद्रनील, माता के रूप में देवी लक्ष्मी की ममता प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सहचरी बनी, अब संसार में इनकी लक्ष्मी नारायण के नाम से पूजा होगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव की जय। जय। जगत रचयिता परमपिता ब्रह्मदेव की जय। पधारिए ऋषिवर, भृगु, दधीचि तथा अन्य ऋषिवरों का ब्रह्मलोक में स्वागत है। हम आपके दर्शन पाकर धन्य हुए। ऋषिवरों,
आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? यदि आह्वान करते तो मैं स्वयं आपके सम्मुख उपस्थित हो जाता। हम अकारण आपको कष्ट देना नहीं चाहते थे परमपिता। हम यहां आपके परामर्श और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। किस विषय में परामर्श और मार्गदर्शन चाहते हैं आप? आप तो जानते हैं, समुद्र मंथन से विष निकला था, उसी के प्रभाव से पृथ्वी की जलवायु प्रदूषित हुई। भगवान शिव शंकर ने उस विष का पान करके प्रदूषण की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया था। आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं भृगु ऋषि? किंतु परमपिता, उसके पश्चात देवदानवों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का शिरच्छेद किया। देवदानवों के संघर्ष और उससे होने वाली पृथ्वीवासियों के कष्ट की संभावनाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं देव। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन के प्रभाव तथा हलचल से सृष्टि का संतुलन भी विकृत हुआ है। आप सत्य कह रहे हैं भृगु महर्षि, परंतु सृष्टि के प्राणियों में परस्पर बैर और संघर्ष तो प्रकृति का नियम है। धर्म अधर्म का उत्थान पतन प्राणियों के संघर्ष के साथ अनिवार्य है। क्या आप सब पृथ्वीवासियों के कष्ट निवारण का कोई नया विचार लेकर आए हैं? हाँ परमपिता, हम सभी ऋषियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि समुद्र मंथन के दुष्प्रभाव का शमन करने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया जाए, जिसके प्रायोजक और प्रस्तोता आप हों। ये तो अति उत्तम विचार है। सृष्टि के कल्याण एवं धर्म वृद्धि के लिए किसी भी आयोजन का मैं सदा समर्थन करता हूँ। मैं आपके विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। परमपिता, इस महायज्ञ का आयोजन हम पावन भूमि प्रयाग में करना चाहते हैं। प्रयाग तो यज्ञ याज्ञ के लिए सर्वोत्तम स्थान है। मैं आपके इस निर्णय का पूर्ण समर्थन करता हूँ। आपकी स्वीकृति पाकर हमें अति प्रसन्नता हुई ब्रह्मदेव। अब इस महायज्ञ का सूत्र संचालन अपने हाथ में लेकर इसकी तिथि निश्चित करें, इसमें उपस्थित होने वाले महानुभावों को निमंत्रण भिजवाएं। यह कार्य तो मेरे मानस पुत्र देवर्षि नारद ही करेंगे। मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी इस महायज्ञ के लिए उत्तम रहेगी। विश्व कल्याण की कामना करने वाले सभी महापुरुषों को मैं इस महायज्ञ के लिए निमंत्रित करूंगा। आयोजन का कार्य आप प्रारंभ करें। जो आज्ञा परमपिता। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। वीणा का ये मधुर स्वर, यह तो देव ऋषि नारद के आगमन का संकेत है देवी। तो क्या देवर्षि नारद आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं? मैं तो सदा ही उनके मन मंदिर में विराजमान रहता हूँ देवी। नारायण नारायण की धुन जगाते हुए वे तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ तो किसी विशेष उद्देश्य से ही आते हैं। तो बताइए, आज उनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या हो सकता है? यह तो उनके आने पर ही ज्ञात होगा देवी। प्रभु, प्रणाम माते। आओ नारद, अभी तुम्हारी माता लक्ष्मी मुझसे कुछ पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी माते? ये पूछ रही थी, आज तुम्हारा यह आगमन किस विशेष उद्देश्य से हुआ है? प्रथम उद्देश्य तो था माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त करके उनका पुत्रवत स्नेह प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य लक्ष्मी नारायण के चरण कमलों की वंदना। और तीसरा? देवर्षि, मैं इसी तीसरे उद्देश्य के बारे में स्वामी से पूछ रही थी। तीसरा उद्देश्य है परमपिता ब्रह्मदेव द्वारा आयोजित
प्रयाग महायज्ञ का निमंत्रण देना। ब्रह्मदेव प्रयाग में महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं? हाँ माते, महान कार्य कर रहे हैं ब्रह्मदेव। उन्होंने मुझे अपना संदेश वाहक बनाकर आपके चरणों में निवेदन करने के लिए भेजा है। आप प्रयाग महायज्ञ में पधारने की कृपा अवश्य कीजिए प्रभु। अवश्य मुनिवर, ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करूंगा। इस महायज्ञ में और कौन कौन सम्मिलित हो रहा है मुनिवर? प्रभु, जहां ब्रह्मा विष्णु होंगे वहां यज्ञेश्वर महेश भी पधारेंगे, परंतु परमपिता ब्रह्मदेव का दूत बनकर औपचारिक निमंत्रण देने के निमित्त मैं कैलाश जाकर महादेव तथा मां सती के दर्शन अवश्य करूंगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम माते। नारायण नारायण, जय शिव शंकर। भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, जय शिव शंकर। हर हर महादेव।